पोर्श। हैप्पी बर्थडे निखिल भैया। अब से आपको ब्लॉग में दिखेगा दिव्या भैया। मीनाक्षी विद अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। वेलकम एंड वेलकम बैक सभी का। तो आज का जो व्लॉग बनने वाला है थंबनेल में आप देख चुके होंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो, सो लेट्स बिगिन। और आप ये देख सकते हैं मैं चाची के घर में आ गई हूँ। तो ये देखो ये क्या कर रहा है लड़का, इसे पूछ लो जरा। अरे दिव्यांश आप क्या कर रहे हो? ये हाउस किस चीज का हाउस है? ये पेटी बना क्या रहे हो आप? आपने तो बोला था आप मेरे साथ डेली व्लॉग बनाओगे, आते नहीं हो आप मेरे साथ व्लॉग बनाने के लिए? स्कूल नहीं है मेरा। तो ये तो प्रॉमिस करने वाले को पहले सोचना चाहिए था ना। प्रॉमिस करने में नहीं, आपने प्रॉमिस नहीं करा था जब आप खा रहे थे, आपने बोला था ये चीज दोगे तो मैं आप कल से आपके साथ में रोज रोज व्लॉग बनाऊंगा, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा आपके घर में। मैंने कहा था कि हाँ, आपने तो ये भी कहा था कि वो तुझे मैं शाम को रोज लेने आऊंगी और आप आए भी नहीं। निखिल भैया का बर्थडे है, उनको विश कर दो, फिर हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे निखिल भैया। हैप्पी बर्थडे निखिल भैया। ढंग से बोल। हैप्पी बर्थडे निखिल भैया। तो निखिल का बर्थडे था कल, यानी कि 9 अप्रैल को, और हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि कल था हमारा फास्ट, कल थी अष्टमी और आज नवमी है, जो उद्यापन हो चुका है, नवरात्रे चल रहे थे तो हम जा नहीं पाए उसके बर्थडे में। तो हम सोच रहे हैं कि हम आज जाएं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस वजह से हम कुछ तो प्लान कर रहे हैं, उसको अपनी लगी पड़ी है। तो वैसे इसकी क्लास में पढ़ता है निखिल, इसका फ्रेंड है, इसका क्लासमेट है, बट आई ऑल्सो नो हिम। सो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में कुछ तो सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ ऐसे बिग बर्थडे बैश काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है, बट मतलब समझ सकते हो आप, देख सकते हो ऐसे इनका बिहेवियर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पीछे से चाची झाँक के निकल चुकी हैं शुतुरमुर्ग की तरह। तो मिलते हैं बाहर आपको। तो अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए, हमने सोचा कि हम उसको मतलब उसके बर्थडे के लिए केक लेके आएंगे। तो मैं और श्रेया जा रहे हैं केक लेने के लिए, और बहुत तेज़ धूप हो रही है और मास्क वास्क तो हम भूल ही चुके हैं। अब क्या होता है वो, क्या कोरोना, किसका मास्क, कुछ नहीं पता हमें, पैंडमिक वैंडमिक। तो अभी जा रहे हैं केक की शॉप पर, और बहुत तेज़ धूप हो रही है, सन बहुत चल रही है, बट सनस्क्रीन लगाई हुई है, स्किन केयर पूरा चलता है प्रॉपर वाला। तो मिलते हैं आपको कहाँ पर, केक की शॉप पे। बाय बोलो, बाय बोलो। तो अभी जा रहे पहले पार्लर में, देखो ऐसा है, आईब्रो हो रही है जंगली जंगली, पार्लर खुला हुआ है। तो पहले आईब्रो बनवा लेते हैं फिर जाएंगे केक के लिए। मेरे हो गए सादे, थैंक यू। चल चल हो गया, नारी को भारत माता नहीं, भारत माता कहते हैं ना, पार्लर से आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं केक शॉप पे यानी बेकरी पे। तो डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। ये श्रेया टैम पॉक वाली चाल पे चलती हुई, मत करो यार। बेकरी पे, बेकरी और श्रेया एंट्री लेते हुए एनर्जी बच्ची बिल्कुल व्रत रख रखे 9 दिन की, इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खाली है। एगलेस ये आई थिंक ना नवरात्रों की वजह से ज़्यादा, क्योंकि लोगों के व्रत वगैरह होंगे तो इस वजह से शायद से कम केक है। क्या खाना पसंद करोगी आप? कुछ नहीं खिलाऊंगी मैं आपको, वो आपसे यही उम्मीद थी आप कुछ नहीं खिलाते हो। कौन सा लें? तो अभी हम समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या गिफ्ट दें निखिल को, तो सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। कम दे दो क्या, कम सेट 6 कप्स चाचा के घर में। उसकी मम्मी भी खुश हो जाएगी, उसकी मम्मी खुश हो जाएगी, मम्मी पापा दादा दादी निखिल, निखिल की बहन, 6 लोग हैं और प्रॉपर निखिल का बर्थडे और फायदा सबका। जा रहे हैं अब, केक ले लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू सर्च
फॉर अ गिफ्ट, क्या गिफ्ट देना चाहिए उसको। तो गिफ्ट भी खरीद लिया है, केक भी ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। बहुत तेज धूप हो रही है, कहीं केक गल ना जाए, इससे पहले हमें घर पहुंचना है। तो मिलते हैं घर पे, बाय बाय। तो अब हम पहुंच गए घर पे, ये देखो प्रूफ। क्या गिफ्ट है, क्या गिफ्ट हो सकता है, गैस कर गैस कर गैस कर। छोटा सा पौधा या फिर छल्ला या फिर वॉच। मैं बताऊं छल्ला क्या होता है भाई? मैं बताऊं छल्ला चॉकलेट भी आ सकती है। हाँ चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। चल 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 चल, चीटिंग मारी तूने, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। एक चॉकलेट है, एक छोटी सी घड़ी भी हो सकती है। चॉकलेट है, मुझे पता है, क्योंकि आप जब मैं बात कर रहे थे, क्योंकि आप कह रहे थे कि चॉकलेट लाएंगे उसके लिए, चॉकलेट किसने बोला चॉकलेट पसंद है उसे? मैंने बोला। तो अब से आपको ब्लॉग में दिखेगा दिव्यांश, दिव्यांश ब्लॉग बनाया करेगा, है ना दिव्यांश? यस। क्या क्या बनाओगे आप ब्लॉग में? जो कुछ भी, बर्थडे की पार्टी की ब्लॉग भी बनाना आप। मैं तो जाऊंगी फेस्टिवल। आपको इन्विटेशन नहीं मिला बर्थडे का? तो मैं तैयार होके आ चुकी हूँ घर से। मेरा दिव्यांश वंस अगेन से हाय। तो अब हम जा रहे हैं केक ले लिया हमने केक ले लिया और अब पता नहीं क्या करेंगे। चलो बाय, अगरबत्ती जलाना। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, अगरबत्ती जलाना। और ये शरारत तैयार हो गई है, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, पास में जाना, पड़ोस में। कहाँ जा रहे हैं हम? यहीं तो जाना है। कहाँ पे जा रहे हो बताओ ना। बैठक, बैठक में जाके बैठक करोगे? खेलता देखो, ये हमें ड्रॉप करने आए हैं बाहर तक। क्या हुआ थे? क्या हुआ थे? अरे रुकना, मैं भी तो आ रही हूँ। बाय 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 बाय। एंट्री लेवल टेक आउट ग्रैंड एंट्री। अबे लविश, हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन। तो ये है बर्थडे बॉय अंगड़ाइयां लेते हुए। अंगड़ाइयां लेता हूँ मैं जब जोर जोर से। हैप्पी बर्थडे निखिल। शुक्रिया। कैसा लग रहा है? 18 साल के हो गए तुम, लाइसेंस मिलेगा, एटीएम मिलेगा। और अंशु, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा दोस्त 18 का हो गया, बहुत दुख है मुझे। बस उसके स्ट्रीक्स बनने स्टार्ट हो गए होंगे ना। हाँ यार, मेरे को वो पढ़ के बहुत हंसी आई थी। मैंने उस पर रिप्लाई भी किया था। देखो जो तुम्हारे सगे दोस्त होते हैं ना, सगे दोस्त वो ऐसे ही पोस्ट करते हैं। सांस तो लेने दो उसको बेचारे को। किसी का तो स्नैपचैट ही खत्म नहीं होता भाई, जिंदगी स्नैपचैट है। स्ट्रीक्स यहाँ पे बन रहे, स्नैप्स स्ट्रीक्स। हमारा फोटोग्राफर Thank you.
शाम के बज रहे हैं 7, मैं घर आ चुकी हूँ, बर्थडे पार्टी हो चुकी है, निखिल का बर्थडे हमने मना लिया और काफ़ी मज़े किए, बहुत मज़े आए। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और ऐसे व्लॉग और वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर द मोर वीडियोज़, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अनयोंग।